हुंडई ने अपनी हैचबैक ग्रैंड i10 की नेक्स्ट जनरेशन नियोस को अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जबरदस्त पैकेज के साथ जबरदस्त प्राइसेस में लॉन्च किया है। इस गाड़ी को उस सेगमेंट में लॉन्च किया गया है जिस सेगमेंट में स्विफ्ट, इग्निस और फीगो जैसी गाड़ियां आ जाती हैं। पिछले काफ़ी लंबे समय से इस सेगमेंट की किंग मारुति स्विफ्ट बनी हुई है, क्योंकि इस गाड़ी का सेल्स फिगर बाकी सभी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा है। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपको सेगमेंट किंग मारुति स्विफ्ट की बजाय ग्रैंड i10 नियोस को खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है सेफ्टी। यहां पर सेफ्टी से मेरा मतलब है बिल्ड क्वालिटी। स्विफ्ट में किस तरह की बिल्ड क्वालिटी मिलती है ये आप लोग पहले से ही जानते होंगे। असल में मारुति की जो कोई भी गाड़ी हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, और ये बात उस दिन भी साबित हुई थी जब 2018 में ग्लोबल NCAP ने फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स वाली स्विफ्ट का जब क्रैश टेस्ट किया तो इस गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए ही सिर्फ 2 स्टार्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 5, जबकि दूसरी गाड़ियां इतने ही सेफ्टी फीचर्स के साथ 4 out of 5 stars काफ़ी आराम से स्कोर कर लेती हैं। और तो और मारुति की ही दूसरी गाड़ी विटारा ब्रीजा ने भी 4 out of 5 stars स्कोर किए थे, क्योंकि वो गाड़ी हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं ग्रैंड i10 नियोस की बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो हुंडई की सभी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, फिर मैं चाहे एक्सटीरियर की बात करूँ या फिर इंटीरियर में यूज़ हुई प्लास्टिक क्वालिटी की। स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको नियोस में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन। सेकंड पॉइंट, वैसे तो आपको मारुति स्विफ्ट में फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जो ग्रैंड i10 नियोस में हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं है, जैसे कि वायरलेस फोन चार्जिंग सिस्टम, फास्ट चार्जिंग USB सॉकेट, रेगुलर USB सॉकेट। असल में नियोस में आपको 3 USB सॉकेट मिलते हैं। एक है आपके मोबाइल के लिए रेगुलर चार्जर, दूसरा है इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, और तीसरा है फास्ट चार्जिंग USB सॉकेट। और इन सब के अलावा वायरलेस फ़ोन चार्जर तो है ही, मतलब कि नियोस में आप 3 मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं, जबकि स्विफ्ट में आपको एक सिंगल USB सॉकेट मिलता है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। नियोस के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, जबकि स्विफ्ट में आपको 7 इंच की ही मिल पाती है। नियोस के पीछे के कैबिन में भी आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है, जबकि स्विफ्ट में पीछे की सीट्स पर आपको कोई भी सॉकेट नहीं मिलता। नियोस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको 5.3 इंच का डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जबकि स्विफ्ट में रेगुलर एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है। नियोस के फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिए हुए हैं, जबकि स्विफ्ट में आपको हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। नियोस में आपको दोनों ही स्पीड और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक मिल जाते हैं, जबकि स्विफ्ट में सिर्फ स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक ही मिल पाते हैं। इन सभी फीचर्स के अलावा रियर AC वेंट्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, इसका मतलब होता है कि आप बिना रिवर्स गियर डाले रियर कैमरा को ऑन करके गाड़ी के पीछे भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको आई ब्लू रिमोट कंट्रोल जैसा फीचर भी मिल जाता है, जिसकी मदद से पीछे की सीट पर बैठे हुए पैसेंजर्स भी अपने मोबाइल की मदद से इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि ये सभी फीचर्स आपको स्विफ्ट में नहीं मिल पाते। थर्ड पॉइंट, वारंटी ऑफर। स्विफ्ट में आपको 2 साल तक या फिर 40,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है, जबकि ग्रैंड i10 नियोस में आपको बेहतरीन वारंटी ऑफर मिलता है 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक का। असल में नियोस में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं वारंटी ऑफर में। पहला, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक का, और दूसरा ऑप्शन है 4 साल या फिर 50,000 किलोमीटर तक का, और तीसरा ऑप्शन है 5 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक का। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनेंस कॉस्ट। हो सकता है ये बात कुछ लोगों को सही ना लगे या अच्छी ना लगे, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठाल दी गई है कि मारुति का मेंटेनेंस सबसे कम होता है।
असल में ये बात कुछ हद तक सही है तो कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि मार्केट में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं या फिर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी गाड़ियों का मेंटेनेंस मारुति की गाड़ियों के बराबर या उनसे भी कम है। उन्हीं सब गाड़ियों में से एक गाड़ी है ग्रैंड i10 नियोस। इस गाड़ी का चाहे पेट्रोल वेरिएंट हो या फिर डीजल वेरिएंट, दोनों का ही मेंटेनेंस कॉस्ट कम है कंपैरेटिवली स्विफ्ट के। फिफ्थ पॉइंट, स्विफ्ट के एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर में कहीं पर भी आपको सिंगल टोन या फिर डुअल टोन कलर ऑप्शंस नहीं मिलते, जबकि ग्रैंड i10 नियोस में एक्सटीरियर में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और इंटीरियर में तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला प्रीमियम डुअल टोन कलर ऑप्शन, दूसरा स्पोर्टी ब्लैक विथ रेड इंसर्ट्स और तीसरा स्पोर्टी ब्लैक विथ एक्वा टील इंसर्ट्स। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, शुरू के पांच पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया कि ग्रैंड i10 नियोस में क्या कुछ ज़्यादा और क्या कुछ अच्छा मिल जाता है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। इसके बावजूद भी ग्रैंड i10 नियोस आपको स्विफ्ट से हर तरह से सस्ती मिलती है। नियोस का पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में एक्ट शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 5 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 7.14 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन से 14,000 टू 39,000 14,000 से 39,000 रुपये तक सस्ता है। इसी तरह से नियोस का पेट्रोल मैग्ना ऑटोमेटिक एक्ट शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 6.38 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के VXI ऑटोमेटिक वेरिएंट से 23,000 रुपये 23,000 रुपीज़ सस्ता है। नियोस का पेट्रोल स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 6.98 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के ZXI ऑटोमेटिक से 22,000 रुपये 22,000 रुपीज़ सस्ता है। इसी तरह से डीजल इंजन की बात की जाए तो नियोस का डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से आपको 6.7 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 7.99 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन से 33,000 टू 44,000 33,000 से 44,000 रुपये तक सस्ता है। इसी तरह से नियोस का डीजल ऑटोमेटिक, जो कि सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलता है, स्पोर्ट्स ऑटोमेटिक एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये आपको 7.85 लाख रुपीज़ तक का मिल जाता है, जो कि स्विफ्ट के ZDI ऑटोमेटिक से 24,000 रुपीज़ 24,000 रुपये सस्ता है। तो ओवरऑल ग्रैंड i10 नियोस में आपको बेहतर सेफ्टी मिल जाती है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, बेहतरीन वारंटी ऑफर मिल जाता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस भी हैं, नियोस का मेंटेनेंस भी स्विफ्ट से कम है, इसके अलावा एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और रही बात आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू की, तो इंडिया में मारुति के बाद सबसे अच्छा सर्विस नेटवर्क हुंडई का माना जाता है और यूज्ड कार मार्केट में हुंडई की गाड़ियों की अच्छी वैल्यू भी है। और इतना सब कुछ आपको नियोस के साथ 14 से 44,000 रुपये कम खर्च करने पर मिल जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इन दोनों गाड़ियों में इंटरेस्टेड थे लेकिन कन्फ्यूज्ड थे कि कौन सी खरीदें और कौन सी नहीं, तो उन लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।